सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ENTGurgaon.com। आई एम डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ENT कंसल्टेंट एंड हेड एंड नेक कैंसर सर्जन एट मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम आप लोगों से इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग के बारे में बातचीत करेंगे। इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग एक ऐसी नई विधि है जिसके थ्रू हम ऑपरेशन के दौरान बॉडी की जो नसें होती हैं उनके फंक्शन को मॉनिटर करते हैं। इससे हमें नस को अच्छे से डिलीनेट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में और उसको प्रिजर्व कर पाने में मदद मिलती है। जब भी दोस्त हम कान नाक गले में कोई ऑपरेशन करते हैं तो कान नाक गले से गुजरती हुई बॉडी की बहुत सारी ज़रूरी नसें होती हैं जो बॉडी के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर इन नसों में कोई इंजरी हो जाए या इस पर कोई दबाव पड़ जाए या खिंचाव हो जाए तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि चेहरा हमारा, फेस टेढ़ा हो सकता है या उसमें लकवा लग सकता है या हमारे बोलने की वॉइस बॉक्स की नसों में कमज़ोरी आ सकती है जिससे हमारी आवाज़ भर्रा सकती है या फिर सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। इस तरह अनिवार्य है कि ये ऑपरेशन जब भी हम करें तो हम मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करें और इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करें। इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग मेट्रॉनिक द्वारा एक नई मशीन के द्वारा हम करते हैं मेयोम हॉस्पिटल में, जिसमें हम बॉडी की नर्व्स जो कि फेशियल नर्व हो गई और हमारी वॉइस बॉक्स की नर्व जिसे रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व कहते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करते हैं हम ऑपरेशंस के द्वारा, ऑपरेशंस के दौरान, और हम इन नसों को प्रिजर्व कर पाने में कामयाब रहते हैं। कठिन से कठिन समस्या में जैसे कि रिवीजन ऑपरेशन हो या कोई कैंसर का शक हो, उस तरह की सिचुएशन में भी इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग बहुत लाभदायक होती है जिससे हम इन पेशेंट्स में नसों को ठीक तरीके से देख पाते हैं और उनको बचाने की हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। थैंक यू।